क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सागर बुद्रेजा और आज की इस वीडियो में ये मीवी S24 ये जो साउंड बार है इसका पूरा एक डिटेल रिव्यू करेंगे। बिकॉज ये जब लॉन्च हुआ था ना, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, तो उसी टाइम मैंने मंगवा लिया था और उसके बाद करीबन एक महीना हो गया है मेरे को इसको यूज़ करते करते। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये आपको 1800 के आसपास देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो, मीवी S24 ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन पड़ा है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं साथ में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसकी, जो ऑर्डर डेट थी जिस टाइम पे मैंने ऑर्डर करा था वो डेट का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं सच में इसको एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद ही ये जो वीडियो है, रिव्यू वीडियो है, वो बना रहा हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं मीवी S24 की एक डिटेल रिव्यू वीडियो। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज और इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं S24 की डिटेल रिव्यू पर। गाइस, सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट की तरफ और पैकेजिंग वगैरह की तरफ देखें तो आपको पैकेजिंग थोड़ी सी अजीब सी देखने को मिलती है, मतलब काफी हल्की क्वालिटी की देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बॉक्स के मेरे दो टुकड़े हो गए थे, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब बेकार सी देखने को मिलती है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको एक ही डेटा केबल देखने को मिलती है, जो है Type-A to Type-C डेटा केबल, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको एक ऑक्स केबल भी देखने को मिलती है, और ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा आपको कुछ कागजात देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, वेलकम कार्ड देखने को मिलता है, इसके अलावा एक ये यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है। एंड देन आता है ये मेन आइटम, अपना मीवी S24 साउंड बार। तो सबसे पहले मीवी S24 साउंड बार की बिल्ड एंड लुक की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लुक्स देखने को मिलती है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। सारा आपका पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक का पूरा आपका मटेरियल देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रंट में आपको ये क्लोथ टाइप का देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो मीवी की ब्रांडिंग है ये काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी कूल लगती है देखने में। तो ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको कुछ रबर टाइप का कुछ देखने को मिलता है, जिससे अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। इसमें ऊपर की तरफ आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, एक है मोड का बटन, जिससे आप डिफरेंट जो मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हो, FM रेडियो से ऑक्स, ऑक्स से ब्लूटूथ वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा और वॉल्यूम कम करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बटन देखने को मिलता है, जिससे आप जो ट्रैक्स हैं उसको आप नेक्स्ट कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, और साथ में ऑन ऑफ का बटन भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको साउंड बार को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है तो आप पीछे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको एक ऑक्स का पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में आपको USB का पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके ऊपर ही आपको एक मेमोरी कार्ड डालने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये जो पोर्ट्स वगैरह है इसमें तो काफ़ी अच्छा काम करा है मीवी ने। साथ में आपको एक Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। और हाँ, आपको ऊपर की तरफ आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, साथ में एक LED लाइट भी देखने को मिलती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो मीवी साउंड बार है ये ऑन है या फिर ऑफ है। तो ये ओवरऑल आपको इसमें बिल्ड एंड लुक्स ऐसी देखने को मिलती है। मेरे को बिल्ड एंड लुक्स के मामले में काफ़ी अच्छा लगा, मतलब प्राइस के हिसाब से आपको इसमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, और जो प्लास्टिक भी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करा गया है। एज यू ऑल नो कि हमने बिल्ड क्वालिटी को सर में तो मारना है नहीं, तो हमने सबसे पहले सुननी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी टाइम मेरे को इसको यूज़ करते करते हो गया, और काफ़ी मतलब एक्सट्रीम लेवल पे मैंने इसको यूज़ करा है। हर टाइप के गाने सुने हैं, हर टाइप की मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह सब कुछ देख ली है, और मैं आपको इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, अगर आप इसको, इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको आप 60-70% रखोगे तो आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, उस टाइम पे भी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। बट जहाँ आप 70% से ऊपर ले जाते हो ना इसकी साउंड क्वालिटी, तो आपको डिस्टॉर्शन देखनी शुरू कर देगी, मतलब आपको 70% पे डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, 80% पे थोड़ी सी और ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, और 100% पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है, जिस पे आप बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। आप अगर म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो या फिर इवन वेब सीरीज़, मूवीज़ वगैरह भी देख रहे हो ना, उस टाइम भी आपको डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इसमें ऑक्स लगा के इसको यूज़ करते हो तो आपकी जो डिस्टॉर्शन है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, अगर आप कंपेयर करोगे इसके ब्लूटूथ वर्जन से। अगर आप ब्लूटूथ से आप इसमें इस गाने वगैरह सुनते हो, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिली और मुझे बिल्कुल भी इसकी साउंड क्वालिटी पसंद नहीं आई। मीवी 4 S24 को मैंने अपने जो स्मार्ट TV है उसके साथ भी कनेक्ट करके देखा, और यहाँ पर भी मैंने दोनों चीज़ें करके देखी, ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट करके देखा और साथ में ऑक्स के थ्रू भी कनेक्ट करके देखा। तो दोनों चीज़ों में वही सेम आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर आप ऑक्स से कनेक्ट करते हो ना, वहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, वहीं अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो वहीं आपको मतलब 70-80%
से ऊपर जाते ही आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाती है अच्छी खासी। देखो यार, मीवी फोर्ट S24 को अगर आप एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी खरीदो या फिर इवन एज अ साउंड बार भी खरीदो, अगर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर साउंड बार आप खरीदते हो तो किस लिए खरीदते हो? ताकि आपकी जो टीवी की जो वॉइस है उससे आपको थोड़ी सी और लाउड वॉइस देखने को मिले। वहीं अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 60-70% पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। मतलब इतनी तो हर टीवी की साउंड होती ही है, तो इससे ज़्यादा अपने को साउंड चाहिए होती है, इसलिए हम साउंड बार वगैरह खरीदते हैं और अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 100% या फिर 90% पे भी आपको डिस्टॉर्शन अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से इसका कोई यूज़ नहीं बनता। वहीं अगर हम मीवी पॉड S24 को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी खरीदें तो देखो, इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें जो मीवी है वो क्लेम करता है कि 6 घंटे की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप एक बार इसको चार्ज करते हो। इसमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। बट इसके रियल टाइम बैटरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपका 3 से 3.5 घंटे का रहता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, इसमें फिट है 24 वॉट के स्पीकर्स, बट स्टिल अगर आपको मतलब हाई वॉल्यूम पे आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है तो इससे बेटर मेरे पास एक 14 वॉट का स्पीकर है जिसका नाम है बोटस्टोन 1000। अगर आप बोलोगे कि तो उसके साथ एक साउंड का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको सुना दूंगा, बट उसका मेरे पास जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर आप 14 वॉट के हिसाब से देखोगे तो उसमें आपको 100% पे भी वॉल्यूम ले जाओगे ना तो भी आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। तो ये चीज़ मीवी ने काफ़ी ज़्यादा बेकार कर दी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करें, उसके बाद मैं इसका एक साउंड टेस्ट डाल दूंगा जिसमें मैं 2-3 ट्रैक्स वगैरह प्ले करके आपको सुना दूंगा, तो ताकि आपको भी पता लग जाएगी इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी है। बट मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1800-2000 रुपये खर्च करके आप ये S24 ले, आपको मार्केट में और अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो साउंड बार की बात करूँ या फिर आपको ब्लूटूथ स्पीकर्स की बात करूँ। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब आप बिल्कुल भी परचेज मत करना, ये मत सोचना कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो आपको मतलब जो कंपनी है इंडियन कंपनी है उसको सपोर्ट करना है। बट कुछ अच्छा प्रोडक्ट भी होना चाहिए, इसलिए हमने काफ़ी सारे मीवी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है। बट कुछ जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए ज़रूर मैं रिकमेंड करता हूँ, बट इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सो आई होप आपको हमारा जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब आप सुन लो साउंड क्वालिटी, मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली। I'm not afraid to die.